क्यों भाई, हम तो यहाँ एक परिवार की तरह रह रहे हैं ना, झगड़ा क्यों हुआ? उसने मेरा खाना मांगा तो मैंने मना कर दिया, इतनी सी बात पर वो कमीना। तू चिंता मत कर बाला, आज उसने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। ये बात हमारे जेलर साहब को पता चलेगी ना तो उसकी तो क्या कहा, जेल में वायलेंस साइलेंस हो जाने वाला मैं बाकी जेलरों की तरह नहीं हूँ, मैं टेरर देवराज हूँ, आज उस माया का पाया बना दूंगा। क्या सल्यूट कर, मैंने इससे कहा था सर, सुबह ही तो किया था मैंने, मैं भी सुबह ही करके आया था, मैंने कहा अभी कर। यस सर। मेरी बात सुन, इस बाला को समझा कर रख, नहीं तो उसे यहीं पर छील कर रख दूंगा मैं। तब तो ठीक है, जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ तो तुम दिखाते नहीं हो, अब यहाँ गुस्सा दिखाकर क्या फायदा? अच्छा मेरी बात सुनो, अब उसके नाम पर मैं सीरियस एक्शन लूंगा। एक जेलर से ऐसे बातें कर रहा था जैसे किसी टेलर से बातें कर रहा। अरे हाँ, ये यहाँ कब आया था? कल ही आया है सर। कल के पैदा हुए लड़के ने बाला पर हाथ उठाया है और कल ये पर भी हाथ उठाएगा। इसको आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बताए मुझे, लेकिन इसकी अच्छी तरह धुलाई करने के लिए एक पावरफुल अधिकारी आएगा बहुत जल्द। वायुपुत्र आ गया। कौन है भैया? वायुपुत्र है। दौरा करने आए हो इंस्पेक्टर साहब? यहाँ बेटा, कड़कपन सिर्फ वर्दी में होनी चाहिए, बदन पर देखा ना तो पार्सल कर दूंगा यहाँ से। हमारे मंत्री जी को जानता है ना तू? सिर्फ बदन में कड़कपन नहीं है बल्कि कलेजों को पहना भी बना रखा है। Oh!
साथ रहने वाले कैदियों से पंगा लेगा तो तेरी चटनी बनाकर बटवा दूंगा। एक बात और बताऊं तुझे, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, कैदी हूं। नंबर 230, सबका प्यारा वायु पुत्र। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? टॉयलेट में लटकी हुई कड़क प्रेस की हुई खाकी वर्दी जिसे मैं पहनता हूँ, उस वर्दी को तू पहनेगा? कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आएगा और तेरी धुलाई कर डालेगा, आपने उससे कहा था ना? बस तभी मुझे ये आइडिया आ गया था। देखो भाई, जिसने गलती की है उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अब तेरे अलावा इस जेल में कोई दूसरा मर्द भी नहीं। थैंक्स, इसलिए तू जारी रख, मेरी तरफ से पूरी छूट। अच्छी बात है सर, मेरी तरफ से पूरी छूट। लेकिन किसी को पीटने से पहले मुझे बता जरूर देना, ताकि मैं किसी भी हालात से निपटने के लिए पहले से खड़ा रहूं। ओके, अच्छा चलता हूं सर। कैसा आदमी है ये जो टेरर देवराज को ही टेररराइज करके चला गया? अरे तुम लोग खेल रहे हो या नहा रहे हो? आप इतना खुश क्यों नजर आ रहे हैं? बाला के लिए सिर्फ मुन्ना ही सामने आया इसलिए। देखो विजय, दूसरों की भलाई करने के लिए छोटी छोटी गलती करके मुन्ना जेल आया था, लेकिन बाला एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। इससे पहले कि कंपनी लोगों को धोखा देती, इसने ही कंपनी को धोखा दिया और कंपनी के सारे पैसे खुद हड़प लिए। इन दोनों की दोस्ती को मैं बहुत मानता हूँ पराजय। विजय, ये सुनते ही कि बाला की पिटाई हुई है, मुन्ना का पारा फटाक से ऊपर चढ़ गया। देख लो, ऐसी दोस्ती है इनकी। ये क्या है, तुमने चड्डी में खिड़की बनाकर रखी हुई है? और भी लोग नहाते हैं यहाँ पे। माँ, कैसी हो? माँ ठीक हूँ बेटा। सतीश की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर जल्दी उसका ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं, 5 लाख रुपए खर्च होंगे बेटा। रिहा होने में और 6 महीने लगेंगे माँ, सजा कम करने के लिए अर्जी भी दी हुई है। अब ऐसे हालात में मैं इतनी बड़ी रकम आखिर कहाँ से ला पाऊंगा माँ? मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन उसका ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, वरना तेरा भाई। माँ, भाई को कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। बाला, तू इतना उदास क्यों बैठा है? भाई के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। अगर मैं बाहर होता तो कुछ इंतजाम भी कर लेता, पर अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कल स्वतंत्रता दिवस है, कल भी किसी कैदी के नाम की पर्ची निकाल कर उस कैदी को रिहा करने वाले हैं, तेरा भी चांस हो सकता है। सर, क्या बे? पर्ची डालते समय उसमें मेरा नाम भी लिख कर डाल दीजिएगा ना सर। क्या बात है, हर किसी का नाम लिख कर उसमें नहीं डाला जा सकता है। या तो रिहाई के कुछ महीने उसके बचे हों, या फिर उसकी चाल चलन अच्छी होनी चाहिए। मेरी चाल भी अच्छी है। अच्छा, जरा चलकर दिखा बेटा। वाह, क्या चाल है तेरी, तू तो बैगन की तरह लुढ़क रहा है। अबे ओ बैगन, अगर तुझे अभी रिलीज किया तो घर पहुंचने में तुझे 1 सप्ताह लगेगा। पहले जाकर अपने टांगों का इलाज करा, रिहाई की बात बाद में करना। सर, हाँ बोल मुन्ना। उस लकी ड्रॉ में हमारे बाला का नाम भी डाल देते तो अच्छा रहता है। दोस्ती, हाँ देखते हैं, उसकी किस्मत भी आजमा कर देखते हैं। सबको मेरा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के दिन रिहा होने वाला वो किस्मत वाला कौन है, देखते हैं। ए, तू डर मत, तेरा ही नाम होगा उसमें। वो किस्मत वाला है मुन्ना पांडे। अरे अपना मुन्ना भाई है किस्मत वाला, उठाओ इसे। सर, अगर मेरी जगह बाला रिहा हो जाता तो। एक बात सुन ले भाई, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है कि एक की जगह कोई दूसरा एक्टिंग कर लेगा, ये जेल है भाई। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू नहीं गया तो तेरी जगह कोई दूसरा भी यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। अब जब मंच पर तू आ ही गया है तो 2 शब्द मंत्री जी के बारे में बोल और निकल ले। लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ लेडीज कहाँ है रे? तो जेंटलमैन, मंत्री जी यहाँ पर पहली बार नहीं आए हैं, कई बार कई बुरे कर्मों की वजह से मंत्री जी यहाँ पर आ चुके हैं। ये यहाँ के परमानेंट मेहमान है, कर्म की पूजा और त्याग करने वाले हैं मंत्री जी। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, ऐसा सोचने वाले
इस महान व्यक्तित्व हमारे मंत्री जी को शुगर की बीमारी होते हुए भी उसकी थोड़ी भी चिंता न करते हुए हमारे बीच आने का कष्ट किया। ऐसे महान मंत्री जी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने इस मंत्री जी के बारे में आपको और भी जानकारियाँ देता हूँ। मंत्री जी के दो महिलाओं से गहरे रिश्ते हैं जो इस समय तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहे हैं। मैं इस पर ऐसे ही बात करता हूँ ये जानते हुए भी मुझे मौका देने वाले देवराज जी को धन्यवाद देता हूँ और दो शब्द कहने के लिए कहता हूँ। ये कैसा धन्यवाद दे रहा है तू? अगर इसके आगे कुछ भी तूने बोला तो मेरी तो नौकरी की इसके बाद मेरी तो लग जाएगी। सर नमस्कार। आओ भाई ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ओह सर ये लग तो घड़ी जैसी रही है लेकिन इसकी सुइयां कहाँ? घड़ी को खोलकर देखेगा तो पता चलेगा ना। कैसे खुलेगी? हमारे प्यारे वायु पुत्र बहुत धन्यवाद सर। लगा ले। हाँ। अरे अरे ये क्या? अरे मुझे गले नहीं इस घड़ी को बांह में लगा ले। सॉरी अब मेरी बात सुन। जैसे घड़ी समय दिखाती है ना वैसे ही भगवान तुझे हमेशा अच्छा समय दिखाए। जब तू यहाँ था तो मुझे तेरे लिए कोई फिक्र नहीं थी लेकिन फिर भी एज ए वेल विशर तू जहाँ भी रहे हमेशा खुश है। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। आप मेरे दादाजी जैसे। ठीक है चलता हूँ एक बार वहाँ जाकर सबसे मिलूं। ठीक है जा। बाहर जाकर खुश रहना बेटा। आप भी अच्छे से रहिएगा। चलता हूँ। मुन्ना हमें भूल मत जाना यार। याद रखना पड़ेगा। बालक है? हाँ समझ गया। रिहा ना होने का दुख है ना तुझे? देख बाला तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ से सीधा मैं कहाँ जाऊंगा पता है? तेरे भाई के पास। तू वहाँ रहकर अपने भाई के लिए जो भी करता वही अब मैं करूंगा ये मेरा वादा है। थैंक्स यार। इस जन्म में तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तू चिंता मत कर। अरे ये क्या भाई सिक्स पैक की जगह फैमिली पैक रेडी कर लिया? थोड़ा बढ़ गया है बस। चलता हूँ। बाय मुन्ना।